हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। एजोस्पर्मिया नील शुक्राणु जीरो क्या है, क्यों होता है और इसके निवारण के लिए मैं आपको बहुत ही जबरदस्त एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगा। यदि उसका उपयोग करते हैं तो यकीनन आप लोगों को सफलता मिलेगी। शुक्राणु जीरो, देखिए, एक मेल जब फीमेल से संबंध बनाता है तो सिर्फ संतुष्टि के साथ साथ फर्टिलिटी यानी बच्चे की कामना करता है। अगर बच्चे साल भर से 6 महीने के अंदर नहीं हो पाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है, तो अपना हमें सीमेन टेस्ट करवाना चाहिए। और जब सीमेन टेस्ट करवाते हैं तो जो वीर्य होता है उसके अंदर शुक्राणु की संख्या 60 to 150 मिलियन के आसपास होनी चाहिए, प्लस जो वीर्य की मात्रा है 1.5 से 5 ml 6 ml के आसपास होनी चाहिए। और वीर जब आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो 5 से 6 दिन तक हम संसर्ग न करें, उसके बाद ही टेस्ट हमें करवाना चाहिए, तो परफेक्ट रिपोर्ट आती है। अगर शुक्राणु, देखिए, एक मेल फीमेल से संबंध बनाता है तो जो वीर निकलता है उसके अंदर शुक्राणु की संख्या यदि फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जीरो है तो हम उसको एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं या नील शुक्राणु कहते हैं या शुक्राणु जीरो कहते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण है, देखिए, यह जो शुक्राणु है हमारे अंडकोशों में टेस्टिस में बनता है, तो जाहिर है अगर टेस्टिस का विकास नहीं हुआ हो, खराब हो गया हो, चोट लग गई हो, तो शुक्राणु हमारा जीरो हो सकता है। दूसरी स्थिति यह होती है कि हमारे अंडकोशों में शुक्राणु बन रहा है लेकिन वहां से निकल करके जिस लाइन से जेजर से सीमेन आता है उसमें मिल करके बाहर नहीं निकल पा रहा है, अर्थात रास्ते में बाधा हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, शुक्राणु बन रहा है और निकल ही नहीं रहा है। कभी कभी यही होता है कि बनता ही नहीं है। जो भी हो, इसके और कारण होते हैं, जैसे हार्मोनल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो पुरुष के अंदर पुरुषत्व को विकसित करता है। यह हार्मोन यदि फर्स्ट क्लास का बनेगा तो लिंग का विकास, तनाव, डिस्चार्जिंग, शुक्राणु आदि सब फर्स्ट क्लास के होंगे। कम बनेगा तो कम और एकदम नहीं बनेगा तो एकदम सेक्स परफॉर्मेंस जीरो हो जाता है, शुक्राणु आदि नील हो सकता है। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ये भी हमारे शुक्राणु जीरो के कारण हो सकते हैं। मोटापा हो सकता है या आलस्य हो सकता है या ड्रग्स आदि बहुत ज्यादा लेते हैं तो भी हो सकता है, या मेडिकल इश्यू भी हो सकता है। कभी कभी दवाएं बहुत हार्ड दे दी जाती हैं शरीर के अंदर वायरस आदि को मारने के लिए, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो शुक्राणु भी एक छोटा जीव है, जाहिर है वो भी कभी कभी मारा जाता है, मर जाता है, जिसकी वजह से भी स्थिति जीरो हो सकती है। जो भी हो, बहुत ही जबरदस्त मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं। एक बात ध्यान दें, ये जितनी भी चिकित्सा अपनाई जाती है इससे पहले सबसे पहले आपको हार्मोन चिकित्सा लेनी चाहिए, यानी जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसके 18-20 इंजेक्शन लगवाने के बाद अगर इस चिकित्सा को लिया जाए तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो पहली चीज होती है, आप अच्छे मेडिकल स्टोर से कुछ चीजें लाएं। सबसे पहली चीज आपको लानी है बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर रस 5 ग्राम ले लीजिए। दूसरी जो दवा है त्रिवंग भस्म 5 ग्राम ले लीजिए। तीसरी दवा अभ्रक भस्म, अभ्रक भस्म 10 ग्राम ले लीजिए। गिरोह सत या अमृता सत जिसको कहते हैं उसको भी 10 ग्राम ले लीजिए। सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण 5 ग्राम ले लीजिए। प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम ले लीजिए। अंतिम दवा है हीरक भस्म लगभग 300 मिलीग्राम। इन समस्त दवाओं को खरल में अच्छी तरीके से मिलाएं। मिलाने के बाद कुल 60 भागों में डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने के बाद भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले शहद से या गर्म गुनगुने जल से आप सुबह शाम ले सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है आपको, अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, शतावरी चूर्ण 100 ग्राम और सफेद मुसली चूर्ण 100 ग्राम। चौथी जो दवा है आपको पौच बीज चूर्ण 100 ग्राम। इन चारों दवाओं को मिला करके रख लीजिए और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को 1 ग्लास गाय का दूध लें और उसमें शिलाजीत सत पतंजलि मिलता है, शिलाजीत सत 2 बूंद मिला करके थोड़ी सी मिश्री भी मिला सकते हैं और सुबह शाम इसको 1-1 चम्मच यदि लेते हैं यकीन करें बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा पतंजलि में एक चीज और मिल जाएगी आपको, संतति सुधा बटी
संतति सुधा बटी, यह भी दो दो सुबह शाम अगर लेते हैं उसी दूध से तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। एक दो चीज घरेलू नुस्खे भी इसी में और जोड़ सकते हैं आप। एक चम्मच गर्म पानी ले और लौंग का तेल एक बूंद उसी में मिला करके प्रतिदिन अगर आप लेते हैं, प्लस दो लौंग भी अगर रात को खाते हैं तो बहुत ही अच्छा शुक्राणु बनने में या शुक्राणुओं को बढ़ाने में रिस्पांस मिलता है। इसके अलावा आप कपाल भाती 20-25 मिनट, अनुलोम विलोम 20-25 मिनट, योग प्राणायाम लगभग एक घंटा करें आप, देखिए बहुत ही जबरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। एक घंटे धूप में आप जरूर बैठें। कुछ चीजें हैं आपको जरूर करना चाहिए, जैसे खाने से संबंधित हमें इमली, आम का अचार, गरिष्ट भोजन, फास्ट फूड, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सब चीजों से दूर रहें और धूप में एक घंटा जरूर बैठें। हो सके तो 7-8 आप बादाम रात को भिगो करके सुबह ले सकते हैं, अखरोट 2-3 पीस ले सकते हैं, काजू किशमिश सब जितनी भी चीजें थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं। योग करिए और संबंध का समय ध्यान दें। संबंध जिस दिन एमसी आती है उसके ठीक 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन निश्चित रूप से आप संबंध बनाइए। फॉर प्रेगनेंसी, आनंद के लिए, संतुष्टि के लिए कभी भी आप संबंध बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी चाहते तो जिस दिन एमसी आती है उस दिन से 11 दिन तक संबंध ना बनाए। जैसे 1 तारीख को एमसी आ रही है तो हमें 12, 13, 14, 15 यानी 11 दिन तक संबंध ही बना, तो 12, 13, 14, 15 को हम संबंध बनाएंगे फॉर चाइल्ड। यकीन करें बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। मान लो किसी कारणवश आपको ठीक से रिस्पांस नहीं मिलता है, रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, हमसे मिल सकते हैं, डॉक्टरों की टीम रहती है उनसे मिल सकते हैं, यहां से आप दवाएं मंगा भी सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।